नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा विपक्षी पार्टियों के अलावा बीजेपी, हम पार्टी, वीआईपी भी लगातार नीतीश कुमार पर अटैक करती रही है। लेकिन अब अंतर ये हुआ है कि बीजेपी भी जेडीयू के साथ हो गई, क्योंकि इस बार शराब मामले में बीजेपी के मंत्री राम सत्राय बुरी तरीके से फंस चुके। आपको पता होगा 13 मार्च को किस तरीके से सदन में हंगामा हुआ। रामसुंदर पर आरोप है कि उनके विद्यालय से शराब की बरामदगी हुई है और तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे प्रमाण दे दिए थे किस तरीके से वो स्कूल रामसूरत राय की हैं। हालांकि रामसूरत राय दावा कर रहे हैं कि विद्यालय उनका नहीं है, लेकिन आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से पूरे प्रमाण के साथ तेजस्वी यादव ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो विद्यालय रामसूरत राय का ही है। तो फिर आखिर रामसूरत राय इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और इसी को लेकर पिछले दिन सदन में काफी हंगामा हुआ और बात यहां तक पहुंची कि हाथापाई भी हुई, गाली गलौज भी हुआ और आज नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव इस बात पर अड़ गए हैं कि सदन में कुछ भी होने से पहले रामसूरत राय को लेकर चर्चा हो कि आखिर वो दोषी है या नहीं। अगर नहीं है तो सदन में अपनी आवाज रखें। लेकिन सत्ता पक्ष ने बाकायदा इनकार कर दिया है कि इस मामले पर चर्चा नहीं होगी, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां पर तारकिशोर प्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, शिक्षा मंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता आज मौजूद हैं, जहां पर तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजित शर्मा, जीतन राम मांझी, साथ ही साथ वाम दल के कई नेता मौजूद हैं, जहां इस बात को, इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने सत्ता पक्ष के कमजोर नस को दबा दिया है और रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है और कहा जा रहा है कि अगर उनके विद्यालय से शराब की बरामदगी हुई है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि अगर कहीं से शराब की बरामदगी होगी तो वहां पर थाना खुल जाएगा या स्कूल भी। पटना में एक जगह ऐसा हुआ भी है। तो आखिर जब रामसूरत राय के स्कूल से शराब की बरामदगी हुई है तो वहां आखिर नीतीश कुमार क्या खोलेंगे, यानी रामसूरत राय पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसको लेकर सर्वदलीय बैठक होना है, क्या कुछ आगे होगा अपडेट, क्या सदन में इस बात को लेकर चर्चा होगी या फिर सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों को मनवा लेंगे, देखने वाली बात होगी। जैसा ही कोई अपडेट आएगा हम आपको उसे रूबरू कराएंगे। आप देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।